ओ सलीम, ओ पुत्र जल्दी आ, बच्ची तैयार बैठी हुई है। इजी हो जाए, बड़ा टाइम है आज मेरे पास। अरे बेटा, जब बताया कि सुबह जाना है जल्दी, तो जल्दी उठे। अच्छा, आपको क्या हो गया आज? अब्बा जी चाय। मेहरबानी जी। और तू बैठी रहे, तेरे लिए टिफिन लेकर आ रही हूं मैं। ओ पुत्र, वो सलीम को भी देखो, उसे को जल्दी उठो, देर ना हो जाए बच्ची को। इजी हो जाए, सेट हूं। आ गया अब्बा जी। ओ बेटा, क्या कर रहे हो, लेट हो जाओगे। ये पकड़ो बैग, रख से में रखो मेरा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप मेरा बैग नहीं उठाएंगे? कोई बात नहीं, मैं उठा लेता हूं। नहीं, दिस इज रॉन्ग यार, दिस इज रॉन्ग। आप लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं कोई मेहमान हूँ, कोई गैर हूँ? अरे बेटा, तुम्हारा अपना घर है, क्या कर रही हो? अगर मेरा अपना घर है तो फिर मुझे अपने काम भी खुद करने देना। पुत्र, सारी जिंदगी पड़ी है काम करने को, जब तक तू अपना घर। पुत्र, मैं आप लोगों को इस बात का खुलासा समझाती हूँ। देखिए, हम सब इस घर में रहते हैं फैमिली मेंबर्स की तरह। हर फैमिली मेंबर को अपना काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बंदे के ऊपर हर किस्म का लोड नहीं डालना चाहिए। आप जैसे किचन में जाती हैं, आप काम करती हैं, मालिक खाना बनाती हैं, उसी तरह मैं आपके साथ ये काम करूंगी। यू नो, क्योंकि मैं भी इस घर का एक मेंबर हूँ। उसी तरह आप हमारे लिए सब्जियाँ काटते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, इस तरह मैं भी आप सबके लिए सब्जियाँ काटूंगी। और जैसे आप भी कुछ करते होंगे तो मैं भी कुछ कर लूंगी। इसीलिए बेहतर है कि हम एक दूसरे का हाथ बटाएं। और नाना मुन्नी, प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अगले बंदे को बेकार करते हैं और कुछ ना करने दें। अंडरस्टैंडिंग एक फैमिली में बहुत अहम है। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, उतना ही आसान होता है, ना मसले होते हैं, ना ही गिले शिकवे। अंडरस्टैंडिंग करनी है सबका, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है। पूरी नाला है ये। ओके, थैंक यू, बाय बाय, खुदा हाफिज़। जी उसी रहो मेरा खुदा, अल्लाह रहे खुदा, अल्लाह खैर करे, अल्लाह परवरदिगार करम करे मेरी बच्ची। आदाब अर्ज है ए हुस्ने बेमिसाल। वालेकुम अदाब ए टीठे बेशुमार। आपका बर्ताव हमें समझ नहीं आता, कभी तो मानिंदे नीम और कभी किश्ते जाफरा। ठीक है, फिर हम चलते हैं, आप ही के काम से आए थे। ये लीजिए आपकी चाबियां। बन गई? ठीक बनी है ना? कितने पैसे लिए? अब हम आपसे पैसे लेंगे। उसने भी तो तुझसे लिए होंगे ना जिसने बनाई है। भाई, वो अदब और अदीब दोनों का कदरदान था। लेकिन मैं नहीं हूँ, इधर ही रुक, मैं पैसे लेके आता हूँ। हिना जी, एक बात पूछनी थी आपसे, थोड़ा जाती नौयत का सवाल है। हाँ हाँ, जल्दी कर। बुरा तो नहीं मनाएंगी? जल्दी पूछना। की नजर में एक मिसाली महबूब की क्या तस्वीर है? क्या मतलब, आपका आइडियल लवर कैसा होना चाहिए? सच बताऊं? अगर आप मुनासिब समझे। मेरी नजर में ना आइडियल महबूब वो है जो ऐसे फवाद खान इश्तेहार में आता है ना, वैसे घर आए और आके ये ना पूछे कि आज क्या पका है, बल्कि कहे कि चलो बाहर चलते हैं कुछ खाने के लिए। मुझे ना बड़ा शौक है सर्दी में मुझे कोई आइसक्रीम खिलाने लेके जाए। मेरी तो हसरत ही रहेगी मैं कभी लाहौर की धुंधों में ना बाइक पे बैठ के आइसक्रीम खाने जाऊँ, बंदा ऐसे धुंध में गुम हो जाए। अच्छा रुक, मैं आती हूँ। फवाद वाला तो थोड़ा मुश्किल है, बाइक का सोचा जा सकता है। मैं और हिना, thank you.
राजू राजू बूहे बारिया ते नाले कंदा टपके बूहे बारिया ते नाले कंदा टपके आवागे हवा बढ़के बूहे बारिया क्या बात है मिठिया आज बड़े गाने शाने मेरी कोयल कोई खास वजह नहीं बस ऐसी अरे मुझे पता है वैसे जारा ने अचानक आकर सबको हैरान कर दिया हाँ कितना अच्छा हो गया है ना ऐसे लगता है जैसे घर मुकम्मल हो गए वो मैं सोच रही थी अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है हमें कोई न्याज देनी चाहिए चाय का दूसरा कप तो देते नहीं मुझे एक और रोटी मांग लू तो कहती है दूसरी रोटी का आटा नहीं है घर में कुछ कह रही थी मैं तुम्हें देख बनवाते हैं आज वो देख बनाने के पैसे कहाँ से आएंगे क्यों वो जो प्लॉट के पैसे आए हैं वो उन सब के चावल खा जाने हैं कमरा नहीं बनवाना एक दो देखो सर मुक नहीं जाएंगे वो जाओ और जाकर देख बनवाने का इंतजाम करो मैं थका हुआ बहुत हूँ अबा जी से बोल दे वो बनवा देंगे बुए बारिया इन्होंने कदा टपके बुए बारिया इन्होंने कदा टपके मैं आवांगी हवा बन गए बुए बारिया अरे बुए बारिया जानी क्या बताऊं तुझे मेरी तो नींद ही उड़ गई और अगर गलती से कभी सो जाऊं तो ख्वाब में भी रैप बैटल इस रैप बैटल को यादगार बना देना सीन तो वाकई में बड़ा फिट हो गया वी कंप्लीटली ऑन बोर्ड मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ यार वेरी हैप्पी यस यस मजा आएगा मजा चल यार इंशाल्लाह मैं निकलता हूँ फिर ठीक है ऑलराइट वेरी टेक केयर ठीक है बाय जरा बाय ओके ज़ारा जो जो चीज़ें विकी ने हमारे साथ शेयर की हैं मेक श्योर कि वो सारी मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा हों और प्लीज़ बहुत केयरफुली हैंडल करना हम इस वक्त विकी की नाराज़गी मोल नहीं ले सकते एंड आई थिंक इन फैक्ट आई नो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा ये इंडस्ट्री के लोगों के साथ इंटरैक्ट सोशलाइज करना मुझे आपसे कुछ बात करनी है श्योर वो मुझे लगता है कि मैं ये इवेंट नहीं कर पाऊंगी हैंडल क्या क्या अरे क्या हो गया क्या बोल रही हो नहीं मतलब बहुत बड़ा इवेंट है सो आई डोंट थिंक कि मैं अकेले कर पाऊंगी ना इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी तो अकेले थोड़ी करना है हम साथ होंगे सारे मिलके कम ऑन डोंट वरी नहीं बात ये भी नहीं है एक्चुअली बात ये है कि विक्की के साथ काम नहीं करना मुझे Okay. No problem. Okay, great. Great. Thank you so much, man. It was so easy. मुझे लगा था कि पता नहीं क्या होगा. Off my chest. Zara? Yeah. ये कैफे है तो आर्ट है हाँ क्योंकि आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म चाहिए इसलिए इस बारे में भी सोचना आइंदा Yeah. Of course. Okay, I'll see you. राजू साहिब मेरे बहुत जल्दी में राजू साहिब भाई बात तो सुनिए काम था बहुत अहम अच्छा चल जल्दी से बता क्या काम है मोटरसाइकिल चाहिए था चलानी आती है नहीं अच्छा फिर खुदा हाफिज भाई संजीदा हैं हम
और मिर्जे तूने मोटरसाइकिल क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा तूने छत पे जाना होता है और कहाँ सीढ़ी में मोटरसाइकिल मारता फिरेगा। भाई आप ये बताइए कि आप किराए पे मोटरसाइकिल ला के दे सकते हैं कि नहीं? तू खुद क्यों नहीं ले लेता जाके? असल में हमारे यहाँ शायरों को बैंक से लोन और किराए पे मोटरसाइकिल मिलने की रवायत कुछ ज़ईफ़ है। तूने मोटरसाइकिल किराए पे चलानी है? नहीं, पहले किराए की मोटरसाइकिल पर मोटरसाइकिल चलाना सीखेंगे, उसके बाद अपनी दरामद कर लेंगे। ला दोगे? बिल्कुल नहीं। राजू भाई हम हमसाए हैं, हमसाया माँ जाया। हाय कबीर, मुझे पता है तुम मेरी कल की हरकत से नाराज हो। I'm sorry. ओ भाई क्या सॉरी, सॉरी का मैं क्या करूँ? मतलब तुम्हारे लिए मैं, मेरे कंसर्न्स, मेरे जेस्चर्स, मेरी केयर, इन चीज़ों की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो बंदा एक मैसेज ही कर देता है यार, मैं तुमने एक मैसेज भी करना मुझे ज़रूरी नहीं समझा, और मैं पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार करता रहा हूँ पूरा दिन। I'm just very sorry, ये बात नहीं है, बट तुम्हें बताया तो था मैंने। हाँ आधी रात को, और वो भी जब मैं पूरा दिन तुम्हें वॉइस नोट छोड़ता रहा हूँ, कॉले करता रहा हूँ, मैसेजेस करता रहा हूँ। अच्छा ठीक है ना, आई एम सॉरी, कह तो रही हूँ इतना सॉरी सॉरी। अब आ जाओ ना और यखनी भी ले आओ, देखो मेरी अभी तक तबीयत खराब है। ये फेंक दी मैंने यखनी। क्या तुमने यखनी फेंक दी? क्यों? बस बस क्या कबीर, तुमने रिस्क जाया किया है। ओह हेलो हेलो हेलो, रिस्क जाया किया है कि ज्यादा स्मार्ट बन के ना मुझे गिल्ट में डालने की कोशिश ना करो। इस पूरी चीज में जितना कसूर मेरा ना उतना ही तुम्हारा है, बल्कि तुम्हारा ज्यादा है, बल्कि सारा कसूर ही तुम्हारा है भाई। मुझे मेरी यखनी चाहिए। मुझे मेरे कल का दिन वापस चाहिए। तो आओगे तो मिलेगा ना कल का दिन वापस। आओ, और मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। आई थिंक अबाउट इट, सोच के बताता हूँ। जल्दी आ जाओ। ओके बाय। खान साहब कैसे लगे चावल? नहीं भाई बिल्कुल ही फारिग है। सारी डिश खा गए अभी भी फारिग है? तो बेटा खा के ही पता चलता है, और क्या तुम्हें सूंघ के बता दें क्या जायका है। सही कह रहे हैं बाजी। खान साहब आप फिक्र ना करें, जब आप ऑर्डर देंगे ना तो इससे बहुत ऊपर की क्वालिटी के होंगे। एवं ऊपर की क्वालिटी होगी, बंदा जो सैंपल लेके आता है ना उसमें अपनी बेहतरीन चीज लेके आता है, ये खा के कौन ऑर्डर देगा तुझे? दाना एक नहीं छोड़ा आप लोगों ने। ओ बेटा रिज़क जाया करना गुनाह होता है, और किसी दूसरे का वक्त जाया करना भी गुनाह होता है। वैसे सच पूछे तो मुझे तो पहले उम्मीद नहीं थी कि आप ऑर्डर करेंगे। और तेरी नीयत ही नहीं है काम करने की। मुझे लगता है कि इस मोहल्ले में यही रिवाज है, कल आपके हमसाए ने मेरे साथ ये किया और आज आपने। और यार क्या करे फिर अपना पुत्र, ये मेरा ख्याल है बिरयानी कर ले या मीठा कर ले जरदा। अब्बा जी दोनों ही कर लेते हैं, मगर जरदा तो इसने चखाया ही नहीं। आप ऑर्डर करें, मैं अभी जरदा मंगवा लेता हूँ। अच्छा फिर ऐसे करो 12-12 किलो के दो देके कर दो। ठीक हो गया खान साहब, ठीक हो गया। और अगर पुत्र मजा ना आया तो बिल तुम्हारा सरकारी बिल की तरह फंस जाएगा। छोरी को तो यकीन नहीं आया होगा तुमने विक्की के साथ काम करने से मना कर दिया। हाँ तकरीबन। पूछा नहीं कुछ उसने कि क्यों क्या कैसे? नहीं कोई वजह नहीं पूछी, मैं खुद हैरान हूँ, कोई सवाल ही कर लेता। गुस्सा था तुम पे, लकी हो तुम, बची हो ये डिसीजन ले। किस बात का गुस्सा था? मैंने ये डिसीजन अपनी वजह से लिया है,
तुम्हें क्यों लगता है कि डिसीजन मैंने तुम्हारी वजह से लिया होगा? अच्छा भाई, जिस भी वजह से तुमने ये डिसीजन लिया है, अपनी वजह से लिया है यार, ठीक है, अच्छी वजह है, बस पॉइंट मेरा ये है, मैं खुद किसी फ्रॉड के साथ काम करना नहीं चाहती हूँ, मेरे भी कोई वर्क एथिक है। ये जोहरी लेकिन अगर मुझे काम से निकालता फिर क्या होता? तो क्या होता, निकाल दे, खुद ही तो कह रही हूँ मेरी अपनी मर्जी थी। कबीर अगर थोड़ी सी शर्म कर लो, अगर पॉसिबल हो, बाहर से मिलती होती तो मैं ऑर्डर कर देती, लेकिन अगर कर लो तो क्या ही बात है। कबीर हेलो, थैंक यू कह सकते हो। थैंक्स। हैं? थैंक्स। मेरी बारी पे खंगे लग जाती हैं। आपको यकीन है ये मोटर बाइक है? नहीं, घोड़ा है, अभी ही करके दिखाएगा तुझे। मोटरसाइकिल ये है, इतनी पुरानी? अब तू तो जैसे 2024 मॉडल है ना, तू भी तो पुराना है। चलती है? चलती क्यों नहीं है, ये देख, ये रेस है, यहाँ से पहले मारेगा किक और यहाँ से क्लच को दबा लेगा, गियर लगाएगा, सीधे पांव पे अब ब्रेक, ऐसे छोड़ता जाएगा, आगे आगे चलता जाएगा। इतना तो पता है हमें। ले, एक और छोटा सा काम था। पेट्रोल के पैसे मैं नहीं दूंगा, बहुत महंगा हो गया। नहीं नहीं, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप एक दोशीजा की तरह हमारे पीछे बैठ सके? मेरे, तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया तू? दोशीजा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ठीक समझ रहा हूँ, तू मुझे गलत समझ रहा है। दरअसल हमें एक मश्क करनी थी। मैं ऐसी मश्क नहीं करता, आप मेरी मश्क खराब है। भाई आप दोस्त हैं। ये वाकया कब हुआ है? बात तो सुनिए ना, आप दोस्त हैं, आपसे क्या छुपाना। दरअसल मुस्तकबिल करीब में हमें किसी को पीछे बिठाना पड़ सकता है। तो तेरे मुस्तकबिल के लिए मैं अपना मुस्तकबिल क्यों खराब करूं? 5 मिनट की तफात है, चौक तक जाकर वापस आना है। 5 मिनट भी नहीं, बस कुछ तो खौफे खुदा कीजिए, कुछ एहसास कीजिए। हमारे तो वालिद साहब भी चले गए। मिर्जे, वो ये कब हुआ है? और तूने बताया नहीं यार, बड़ा अफसोस हुआ है यार। गुजरांवाला के, आप तशरीफ रख लीजिए ना। नहीं रख रहा मैं तशरीफ। खान साहब का वास्ता, आप ना बैठे तो आपको आखिरी वक्त में खान साहब का दीदार नसीब ना हो। यार मिर्जे, ये क्या कसम दे दिया तूने, ले फिर ठीक है, हमें तो बैठने दीजिए। अच्छा आइए। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? ओ मिर्जे, मुझे भी तो मश्क की जरूरत है, मैं कौन सा रोजाना लड़कियों की तरह बैठता हूं? ऐसी बेतकल्लुफी नहीं, हया के साथ बैठिए। अच्छा एक मिनट, ये टांग। भाई भाई, इसकी ब्रेक किस जानिब थी, इसे रोकिए, दाएं है कि बाएं? मिर्जे देख के, और देख के, और देख के, और ब्रेक मार, और मिर्जे।
खान साहब चेक करें चावल का एक एक दाना, ये वो चावल है जो व्हाइट हाउस तक जाता है। अच्छा जी खान साहब, है ना जायका आपकी जौजा के कुलों वाला, उस दिन भी सब ने कहा था मजा आ गया, आज भी खाला की सबको याद आती है। वो तेनु लवे मौला मसाल तो को अच्छी दो। आए हाय हाय, ये क्या हो गया खान साहब? राजू क्या हुआ तुझे, इतनी सारी चोटें? हो गया हुआ अब बस खान साहब, सर सलामत, टोपियां बहुत। ओ सर तो सलामत नहीं लग रहा। हाय हाय, इसका एक्सीडेंट हो गया है। इधर बिठाओ इसको। बस भाभी जान का सदका माल, शुक्र करे अल्लाह ने बचत करा दी। इधर बिठाओ इसको, इधर तक पोस्ट पे लेटाओ इसको, लेटाओ। नहीं भाभी मैं अपने कमरे में जाके लेटूंगा। ओ बेटा तुम्हारे कमरे में कौन सा डबल बेड लगा हुआ है, इधर लेट जाओ। मैं तकरीबन ठीक ही हूँ, आप मेरे लिए परेशान ना हो। ओ मैं परेशान नहीं हो रहा पुत्र, मैं चाह रहा हूँ इधर लेटोगे तो जरा रौनक लगी रहेगी। खान साहब मेरे लिए क्या हुक्म है? पुत्र तू पहुंच दुकान पे, शायद अगले कुलों का भी ऑर्डर देना पड़ जाए। क्या हुआ है? गिरा कहाँ पे है ये, क्या हुआ इसके साथ? बस भाभी मैंने तो देखा राजू फर्श पे गिरा हुआ, सर से खून की धार, कपड़े गर्द आलूद, मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मुझे लगा जैसे मैं किसी गर्दाब में फंस गया हूँ। बस पे फंसा, मैंने अपने हवास को यूं समेटा जैसे परिंदे तूफान में अपने परों में बच्चों को छुपा लेते हैं, उड़ता हुआ राजू को लेकर अस्पताल पहुंचा। मरहम पट्टी करवा कर ला रहा हूँ, रास्ते से दूध की बोतल भी पिलाई। दूध की बोतल एक एक्स्ट्रा ले लेते, शाम को भी पी लेता, हालत उसकी क्या कर दी है, लगता है किसी ने छिपकली पे जूता मार दिया है। लेकिन ये हादसा पेश कैसे आया? बस कर दें भाभी बस कर दें, आप बार बार पूछ के उसका जख्म खुरच रही हैं, उसे उसी कर्ब से दोबारा गुजार रही हैं, उसे ये हादसा याद ना दिलाएं, चोट गहरी है उसकी। चलो राजू तुम्हें आराम की जरूरत है, मैं तुम्हें ऊपर डाला हूँ। मुंडा सारा छिलिया गया है और वो नावल नहीं छोड़ा, गर्दाब की सुर्खी, खून की धार, परिंदों की चहचहाहट। मेरी शहजादी है ना, इतने खत लिखे तुम्हें और सब भी अपने पास रख लिए, इस खत की किस्मत भी शायद यही रजिस्टर होगा, मगर क्या करूं, इन कागजों और कलम के अलावा किसी को बता भी तो नहीं सकता। कभी कभी डर लगता है शायद ऐसे ही मर जाऊंगा, तुम्हें अपने दिल का हाल बताए बगैर, लेकिन फिर सोचता हूँ इसमें हाची क्या है, मेरी मोहब्बत तुमसे इजहार की मोहताज कहाँ, मेरे लिए तो तुम्हें देखना ही काफ़ी है। जो सब सवाल करते हैं मैंने इतने साल ऐसे ही ज़ाया करते हैं यहाँ रह के, मेरे लिए तो यही वो कीमती पल है जिनके लिए कोई भी इंसान ज़िंदगी भर मेहनत करता है। तुम्हारा राजू। भाई हमें तो लगा था कि आप हौले आदमी हैं, पर आपका तो ठीक ठाक वजन है। बस मिर्जे तू जा, ठीक है यहाँ तक ले आया हूँ तो मंजिल तक भी पहुँचा ही सकता हूँ। तू तो मुझे आखिरी मंजिल के पहुँचाने के चक्कर में था, मुझे भी पता नहीं क्या हो गया था जो तेरे कहने में आ गया। भाई मुझे तो आज खवातीन की कदर हो गई, पता नहीं वो किस तरह बैठती हैं इन टूटी फूटी सड़कों पर। हालांकि जब घोड़े हुआ करते थे तब तो खवातीन ऐसे नहीं बैठती थी, फिर आज हम उन्हें क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो मोटर बाइक पर इस तरह बैठे। और जा तू घोड़े पे बिठा ले उनको, मेरी जान छोड़ दे, नीचे तेरी इज्जत रख ली है ना, ये ना वापस ले लो फिर मैं, जा। वो बाइक का क्या करना? उसको समेट के ना सामने छम्मे की दुकान पे रखवा दे, मैं कर लूंगा बात, अब जा। शुक्रिया।
मेरी प्यारी हिना, उम्मीद करता हूँ तुम खैरियत से होगी। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ तुम उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है तुम चुप रहने के लिए बनी ही नहीं। जब तुम चुप होती हो तो तुम्हारी आंखें बोलती हैं। यार बाप ही बताएं कबीर भाई, क्या सीन है, क्या बनेगा? ऐसे में मसला ही है रैप का, रैपर्स का, ये जो म्यूजिक है ना, इसमें सोसाइटी को बस लगता है कि हम कोई बिगड़े हुए बच्चे हैं, बक 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 करी जा रहे हैं बस। म्यूजिक जिसका ना सर है ना पैर है ना कुछ है, इसको म्यूजिक की तरह देखते ही नहीं लोग। खैर उनका भी कसूर नहीं है, उनका एक्सपोजर ही नहीं रहा हुआ रैप को लेकर, तो इमेज ही ऐसा बना। अरे खैर उसमें ये भी बात है कि कई लोग जो बैठे हुए हैं ऊपर, मुझसे कुछ गिने चुने ही तो ओरिजिनल है, बाकी तो लोग ही सारे फेक हैं। कबीर भाई वैसे हमारे साथ ही क्यों होता है ये सीन? अब हम इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करके लिखते हैं और आगे जाते हैं, और यहाँ पे आप अली बात फेक सीन तो बहुत है, बहुत फेक सीन है यहाँ। ये अब आप देखें कि मैं ना असल में रैप बैटल की सिलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था चीज़ों को लेके, मगर सीन कुछ ऐसा था कि अभी एक एपिसोड भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और हमें आके कहते हैं कि आप लोग स्टार बनेंगे सर। तो ये देखिए किसी ने कोई काम की बात की भी है क्या? काम की बात कहाँ की भी भाई, वही पुरानी बातें, बस हार्ड आना है, आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना है, किसी को नाराज भी नहीं करना। क्या वो अब आउट ऑफ बॉक्स अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें बोलें और लिखें आप ऐसी, लेकिन लोग कनेक्ट भी करें फिर आपसे। लिमिट्स भी पुश करो, अनऑर्थोडॉक्स भी सोचो, लोगों को नाराज भी नहीं करना। इंडस्ट्री के यही रोले रहते हैं। पीर भी वैसे आप क्यों नहीं है शो में, रैप बैटल में? आपको तो जज होना चाहिए था वैसे। यार कबीर भाई का सीन और है यार, रैप बैटल ज़रा डिफरेंट चीज़ है, लेवल कबीर भाई का ज़रा। यार तूने कुछ लिखा नहीं है, तैयारी नहीं की? मैं लिख रहा था कुछ कबीर भाई, सुनाऊँगा लेकिन बीट के साथ आपको सुनाता हूँ। अच्छा तो ज़रा इनकम्प्लीट सा है थोड़ा सा। या 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 ये वाओ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਰਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੈਡ ਥੱਲੇ ਚੁੱਪ ਕੇ ਤੂੰ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੂਗੀ ਮੈਂ, ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੂਗੀ ਮੈਂ। ਬੰਦ 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 ਕਿਆ ਆਪ ਬਤਾਏ ਯਾਰ, ਦੇਖ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਝੇ ਰੋਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਟਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੈ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, शोर मच रहा है, वो फुल चेयर कर रहे हैं, उसे माइक आया तेरे सामने और तूने इस पिच पे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ये कर कि अपनी पिच को कर ऊपर ऊपर उठा। तो एक तरफ क्या है तग दग दग, दूसरी तरफ क्या है ओ पुत्र तग दग दग दग, यहाँ शुरू कर ले। दूसरा ये कि अगर तूने एक इमोशन पे खेलना है और अगले बंदे को एक सर्टन लव से पुट डाउन करना है, जिस तरह अभी लव से तेरा डर, तो उस पर और एम्फोसाइज कर। अभी तूने क्या किया पुत्र पुल गए यार रात जो, तो डर के तू के तू जाया हो रहा है यहाँ पे, दोबारा डर डाल ताकि वो एम्फसाइज हो और ऑडियंस रिलेट करे बंदा डरा हुआ है, ठीक है? तो पुत्र पुल गया रात जो, तो डर डर सोना नहीं सी, रिपीट कर। दूसरी चीज ये बुगी मैन क्यों कह रहा है, तू क्या अमरीका में बड़ा हुआ? दसवीं कितने बड़ा हुआ है, दसो कहाँ बड़ा हुआ है, बता मुझे। इधर ही क्या कहती थी अम्मी रात को सोने से पहले, कौन आ जाएगा? गज्जू गज्जू बाबा, गज्जू बाबा। तो गज्जू बाबा क्या ये चीज तो यू हैव टू स्टिक टू योर रूट्स यार, बोरो किया हमने लेकिन अपनाना है। बस ये कुछ चीज़ें मेटाफोरिकली ठीक होने वाली कबीर भाई, जो मैं जिन पे फोकस कर रहा हूँ कि बस अब आप कर लेते हैं किसी तरह आपका वो नहीं हूँ यार, मैं वही हूँ जो तू है, मैं इंसान हूँ, तू भी इंसान, तू करता रहेगा, फोकस में रहेगा, अपने आप को स्टेज पे इमेजिन कर, बस उधर जाएगा, उस स्पेस में जाएगा, सब कुछ निकल आएगा, ख़त्म। चलिए कबीर भाई निकलते हैं फिर, हम मिलते हैं आपके लिए। श्योर सी।
वाह कबीर भाई, कहाँ से पकड़े हैं सारे? बड़ी कोचिंग हो रही थी। तुम कबीर भाई ना कहती तो बता देता। किधर? घर। चलो। नहीं नहीं, रिक्शे वाला आ गया है। रिक्शे वाले को कह दो वापस रिक्शे में छोड़। नहीं भाई, मुझे घर जाना है, हॉस्टल नहीं जाना। तो क्या जाना है बस रिक्शे वाले के साथ, तुम कल मिलना मुझे। क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं है अभी तक मेरे पास, बस मैं जा रही हूँ, कल मिलेंगे। बाय कबीर भाई। लाओ जनाब आलिम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, खैर बिस्मिल्लाह पुत्र जी, बिस्मिल्लाह चाहो तो खैर हो जी। आ लाओ मेरी जान, बिस्मिल्लाह खैर हो जनाब, खैर हो बिस्मिल्लाह। ये क्या हो रहा है नाना भैया? ओह जारा आ गई, जारा नायला की बेटी है। हाँ, इसके आने की खुशी में चावल बांट रहा हूँ। बिस्मिल्लाह बाबर जी, बिस्मिल्लाह। आओ बेटी, आ जाओ आ जाओ, आओ मैं सदके जाऊँ मेरा पुत्र। आओ बिस्मिल्लाह, मैं सदके जाऊँ, मैं सदके, बिस्मिल्लाह। चलो चलो बेटा, मेरा पुत्र आ गया, मेरा पुत्र। अल्लाह ने नसीब करे, कर्म करे शायद, कोई इधर ले आए। अल्लाह वे श्रीड़ियाँ पहुँचाओ अपने, जाओ जी पुत्र जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हेलो जनाब, इसलिए इतने ताले लगा के रखता था। इतने सालों में तूने किसी को भिनक भी नहीं पड़ने दी। कितना ढूंढा था ये परांदा मैंने, कब से जमा कर रहा है ये चीजें। बोल, कागजों पे तो बड़ा कुछ लिखा हुआ है। एक बात बता, इतने सालों से तूने ये सारी बातें दिल में ही रखी हुई थी, कभी कहा क्यों नहीं? तुम मेरे उस्ताद की बेटी हो, कैसे कह देता। वैसे जो मजा काके के पियो के हाथ में था ना, इसके हाथ में वो बात नहीं। नहीं नहीं अब्बा जी, मजे के बनाए इसने। मजे के हैं ठीक है, मगर जब इसका बाप देख पकाता था ना, वो लोग देख के चाट जाते थे, अंदर घुस जाते थे देख के, ऐसा खाना पकाता था। हा 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 हा, मैंने खुद देख दबा एक बंदा टांगों से पकड़ के देख में से निकाला। वो जरा इस्लामाबाद में भी लोग हलवे के ऊपर शोरबा डालते हैं। आपकी सोच है मामू, ये मीठा नमकीन का जो कॉम्बो है ना, नेक्स्ट लेवल है। इसकी माँ भी ऐसे ही खाती थी। वाकई मम्मी ऐसे खाना खाती थी? वो बेचारे राजू को भी कुछ खाना दे आए जाकर। वो उसे छोड़ दो, देखो जी मिर्दे को, मंदा ही जख्मी कर दिया हमारा।
और मिर्जे को चावल भिजवाए हैं। जमा करें अब्बा जी उसको। बात सुने, ये राजू को चावल ऊपर देकर आए। मैं दे आती हूँ, तुम जाओगी? हाँ मैंने खा लिया है। चल से ठीक है। जारा को ना कल निहारी खिलाते हैं, बड़ा टाइम हो गया निहारी नहीं बनी घर पे। निहारी ले, निहारी तो भाभी बड़ी अच्छी बनाती है ना। कल ऐसा करते हैं निहारी बना लेते हैं और साथ उसके बस कर दें। अभी एक डिश खत्म हुई नहीं है, दूसरी की बातें शुरू हो गई हैं। इस घर में कोई और टॉपिक पे डिस्कशन नहीं हो सकती? ओ पुत्र जी, रब ने जब दिया हुआ तो फिर खाओ पियो। नहीं अब मतलब अगर पैसे आ गए तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि लिटरली पैसे ही खाने के आ गए। अब मैं तो सोचती हूँ कि पैसे आए तो इस घर पे काम करते हैं, इतनी मरम्मत होने वाली है अभी इस घर की चीज़ों पे। फिर दानिश छोटा है, बड़ा हो रहा है, वो कहेगा उसको अपना रूम चाहिए, उसको स्पेस चाहिए, किताबें वगैरह रखनी होगी। मैं तो बल्कि सोच रही हूँ कि हम कोई बिजनेस के बारे में सोचें, इन्वेस्ट करें बिजनेस में और फिर हम उसको पैसे को डबल करने का सोचें। ये मेरी इस घर में कोई बात क्यों नहीं सुनता? ओ पुत्र जी जुड़ रहे हैं हम कौन सा कानों में चावल डाल रहे हैं। तो फिर मुझे कोई सीरियसली क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि बेटा आपने सुबह खुद ही कहा था मुझे इस घर का फर्ज समझे, आप खुश हो? पूर्ण आराम है। यार नहीं यार, भाग भाग।